एसके बंजारा फाउंडेशन के अध्यक्ष मनोज नायक द्वारा मुंबई स्थित जोगेश्वरी में 4 दिवसीय कबड्डी स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में मुंबई सहित आसपास के इलाकों के खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, जिसमें लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी इस स्पर्धा में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस मौके पर स्वर्णा बार टक्के नेशनल कबड्डी खिलाड़ी और सुनील जयपाल बंगाल वॉरियर्स प्रो कबड्डी खिलाड़ी की उपस्थिति खास रही। मनोज नायक का मानना है कि देश में कबड्डी को बढ़ावा देना जरूरी है, क्योंकि इस खेल से लोगों का मानसिक और शारीरिक विकास होता है। मकसद तो बहुत साफ है हमारा कि युवा शक्ति को खेल के माध्यम से हम लोगों ने समय समय पर जोड़ा है। कबड्डी हो, क्रिकेट हो, खो खो हो, वॉलीबॉल हो, काफ़ी सारी एक्टिविटी स्पोर्ट्स के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का हमारा सदैव कार्य रहता है। मैं एसके बंजारा फाउंडेशन और स्फूर्ति क्रीड़ा मंडल, इन दोनों के सहयोग से जोगेश्वरी में द्वितीय टूर्नामेंट का आयोजन है और इस आयोजन के लिए मैं सभी को यहाँ के रहवासियों को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो यहाँ पर इसको पूरी तरीके से सफल बनाने में सहयोग देते हैं। स्फूर्ति क्रीड़ा मंडल का जो ये हमारा कबड्डी का कार्यक्रम है एसके बंजारा फाउंडेशन के साथ मिलकर, ये यहाँ पर लगभग एक 40 से 50 टीमों की इसमें सहभागी होती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और ये 4 दिन के लिए चलेगा। 4 दिन का होता है, इसमें महिला गट ए, पुरुष गट ए और तरुण ए, ऐसा करके हमारा 4 गट इसमें रहता है और 4 दिन चलता है। पहला दिन आज शुरुआत है, 14 तारीख को पहला दिन है, 17 तारीख को रविवार को इसका समापन है। देखिए, कबड्डी चुनने का विशेष रीज़न ये रहा है कि कबड्डी एक राष्ट्रीय खेल होने के नाते नाते महाराष्ट्र का गौरव भी है, और कबड्डी में जितना बच्चों को चांस मिल सकता है, जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर जिला लेवल पे अब तो भारत के हर क्षेत्र के अंदर कबड्डी को तवज्जो दी गई है। क्रिकेट भी है महत्व का खेल, लेकिन क्रिकेट में इतनी बड़ी आबादी के अंदर क्रिकेट के अंदर 2-4 ही प्लेयर निकलते हैं, तो हमने सोचा कबड्डी का भी एक आयोजन रहना चाहिए, क्योंकि इसमें ताकत, दिमाग की और शरीर का बल दोनों लगता है, बच्चों में स्फूर्ति रहती है। उससे विजेताओं के लिए हमने निश्चित तौर पे एक हमारा इंश्योरेंस का भी पार्ट था, लेकिन वो हम किसी फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से नहीं कर पाए, लेकिन उनको एक ट्रॉफी है और उनके अच्छे खिलाड़ियों को हम एक सम्मानित करेंगे, जिसमें उनका एक ईयर का कुछ पैकेज है जो कि हम ऑफिशियली घोषणा नहीं कर सकते, वो भी करेंगे। और जो संबंधित हमारे अधिकारी हैं, जो कबड्डी के जो टूर्नामेंट के लिए हमारे को जो परमिशन लगती है, उनके सहयोग से मिलकर हमको उनको आगे ले जा करके उनके लिए सर्टिफिकेट की व्यवस्था करी। मैं स्फूर्ति क्रीड़ा मंडल से बोल रहा हूँ, रमेश कासले, और हमारे यहाँ पे अभी बड़ा आयोजन होता है यहाँ पे कबड्डी का, जो 2 साल से होता आ रहा है। उसमें महिला संघ का 8 संघ या पुरुष संघ का 8 संघ यहाँ पे खेलने वाले हैं। आज पहला दिन है कबड्डी का यहाँ पे, जो शुरुआत हुई है आयोजक मनोज जी नायक इनसे, अपना आयोजक से शुरुआत हुई है, और ये बड़ा कार्यक्रम 4 दिन चलने वाला है। इसकी जो अंतिम सामना है वो संडे रविवार को यहाँ पे होने वाला है, और ये हमारे तरफ से सबको ये कबड्डी प्रतियोगिता तो शुभकामनाएं मैं यहाँ से देना चाहता हूँ। कल स्त्रियों की अपना महिलाओं की 8 टीम है और पुरुषों की 16 टीम यहाँ पे खेल रही है। ये 4 दिनों में ये टीम पूरी खेलने वाली है। इसकी अंतिम सामना वो रहेगा रविवार को समाप्त होने वाला है। जो ये स्फूर्ति चषक है, जो इनका घटक है, इन्होंने अच्छी टूर्नामेंट करवाई इधर, और नए नए लड़कों को, बच्चों को खिलाएंगे, लड़का हो लड़की हो सबको बराबर देखते हैं, और यहीं से अच्छे अच्छे लड़के निकलेंगे ऐसी ऐसी टूर्नामेंट खेल के, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसी ऐसी टूर्नामेंट करवाते हैं। और रही बात उसी प्राइज का, कोई वैल्यू नहीं रखता, इनको टाइम देना होता भाई, अच्छे जो कोच हैं इनको तैयार करते हैं, अकेडमी रखी ने, और यहाँ टूर्नामेंट खेलेंगे, धीरे 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 ये अच्छे बच्चे निकल जाएंगे, और प्रो है, इंटरनेशनल है, एशियन गेम है, आगे तो ओलंपिक में भी जाने की तैयारी हो रखी है कबड्डी की, और धीरे धीरे यहीं से निकलेंगे, और वैसे भी महाराष्ट्र बॉम्बे तो गढ़ भी है कबड्डी का, यहीं से बच्चे निकलते हैं ज़्यादातर, तो उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जाती है कबड्डी। स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत कर रही है, पर और करे तो और भी अच्छा है, और क्रिकेट है ये है, और गेम बहुत ऊपर जाते हैं, क्यों ना अपने मिट्टी का गेम हर आदमी खेला हुआ इसको, और जितना इसको ज़्यादा बढ़ावा देगा हर आदमी के दिल में बसता है कबड्डी। आप कितना पसंद करते हैं सर इसे? मैं तो बहुत ज़्यादा करता हूँ सर, सबसे ज़्यादा इसी को पसंद करता हूँ सर। मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ग्राउंड की है, और जितना मान लिया ग्राउंड होगा, सुबह रनिंग करने की जगह नहीं है, बहुत कम है, भीड़ ज़्यादा इधर, वो ज़रूरी है इसके लिए ग्राउंड कबड्डी का,
एक मैट सुविधा होनी जरूरी है सर, जगह जितनी ज्यादा मिलेगी सुविधा उतने बच्चा निखरेगा। कोच वगैरह भी चाहिए होगा? कोच भी बिल्कुल चाहिए। कुर्ती चषक गेल्या वर्षी मी या स्पर्धेला आलेले, नक्कीच मला इथे सांगावं वाटेल की या स्पर्धेचा दर्जा खूप चांगला आहे। इकडचे जे मी आत्ता हे लहान खेळाडू बघते ह्यांच्यासाठी नक्कीच इथे काहीतरी चांगल्या गोष्टी व्हायला पाहिजे। आणि जर आपण म्हणतोय की सरांनी सांगितल्याप्रमाणे कबड्डी ऑलिम्पिकमध्ये जाणार आहे, इंटरनॅशनल लेवलला आपल्याकडे मॅटवर स्पर्धा होतात, तसंच हे जे नवीन खेळाडू तयार होत आहेत त्यांना मॅटवर स्पर्धा झाल्या तर थोडंसं चांगलं आहे। कारण का आता इंटरनॅशनलला जर कबड्डी न्यायची झाली तर ती स्पर्धा मॅटवर होते, बाहेरचे जे संघ आहेत ते मॅटवर प्रॅक्टिस करतात। तसंच आपल्याकडे पण काही संघांनी जे चांगले चांगले संघ आहेत त्यांनी मॅटवर प्रॅक्टिस करायला पाहिजे की जेणेकरून त्यांचा परफॉर्मन्स चांगला होईल खेळाडूंचा। एक बडा एक इव्हेंट आहे और भारत में कबड्डी का भविष्य है, यदि अगर इसको अगर ज़्यादा प्रोत्साहन दे, क्योंकि यह बुद्धि का खेल है, यह चपलता का खेल है। अब बुद्धि और चपलता जहाँ भी हो वहाँ पर विजय निश्चित है, तो निश्चित रूप से इसका फायदा आने वाले खिलाड़ियों को लगेगा। साथ साथ में जो लड़कों में जो स्वास्थ्य है कि वो इसमें शारीरिक मेहनत ज़्यादा लगती है, शारीरिक मेहनत के कारण उनमें एक प्रकार के मन शक्ति और शारीरिक शक्ति दोनों मिलती है। निश्चित रूप से कबड्डी का जो खेल है ये देश में व्यापक रूप से होना चाहिए और इसको प्रोत्साहन भारत सरकार की तरफ से भी और जन सामान्य जिस प्रकार से इसके बंजारा फाउंडेशन स्फूर्ति क्रीड़ा मंडल ने इसको इनिशिएटिव लिया, इसका परिणाम अच्छा लगेगा। आने वाले दिनों में नवे भविष्य का निर्माण करने वाले जो तरुण कार्यकर्ता चाहिए उसको एक प्लेटफॉर्म देने का काम आज इन्होंने किया है। जैसे अभी कैलाश जी ने कहा तो कबड्डी एक ऐसा खेल है कि एक तो ये मतलब छोटी जगह में किसी भी गांव में भी खेला जा सकता है, ठीक है, लेकिन एक विद्रूपीकरण जैसा भारतीय संस्कृति का होते रहा है उसी के अंदर कबड्डी को भी अनेक वर्ष कोई महत्व नहीं दिया गया, केवल एक अंग्रेजों के खेल को महत्व देते हुए सारी युवा पीढ़ी एक नहीं बल्कि दो तीन पीढ़ियां उसी के पीछे चलती रही। अब ये खेल आगे आ रहा है, इससे एक तरफ से मैं ये कहूँगा कि भारतीय संस्कृति का भी पुनरुज्जीवन हो रहा है। दूसरी बात यह है कि हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ इतना जा चुके थे कि आय वाली मैं वाली संस्कृति थी, कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसमें हम वाली संस्कृति होती है और जब भी दो टीमें खेल रही होती है तब भी दोनों टीम के जो खिलाड़ी होते हैं उनमें भी हम वाली एक भावना होती है। यह कबड्डी से आगे बढ़ रही है और बढ़ते रहेगी।